संगमरमर नगरी मकराना की धरा को अपनी गायकी से संगमरमरी आभा देने वाले निहाल जोशी। इस नाम को लोग सिर्फ गायन ही नहीं एक सोच से जोड़कर देखते हैं। एक युवा शख्स वो जो सिर्फ गाता नहीं जिंदगी को महसूस करता है और सुरों में ढालता है। 13 वर्ष की उम्र में संगीत साधना में लगे निहाल जोशी आज युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं। निहाल जोशी ने न्यूज फ्लैश से रूबरू होते हुए कहा कि संगीत मेरी आत्मा में बसा है, इसका निरंतर अभ्यास ही मेरे लिए रोज ईश्वर की पूजा और साधना के समान है। शास्त्रीय संगीत गायकी के उभरते मार्बल नगरी के कलाकार निहाल जोशी ने भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता पिता ही मेरे संगीत गुरु हैं, उन्हें लय ताल माता पिता से विरासत में मिली है। बचपन में ही वे गीत गायन में रुचि लेते थे, माँ भी संगीत की उपासिका हैं, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा मकराना में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। निहाल जोशी ने कहा वह संगीत को कुछ नया देना चाहते हैं, इसी के लिए उन्होंने जेडी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो पहली बार कोई गायक नए गायकों को लॉन्च कर रहा है। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास को दर्शाता उनका एक एल्बम शीघ्र ही लॉन्च होगा। इंडियन आइडल हीरो सवाई भाट एवं अन्य कई नामचीन कलाकार इस एल्बम की शान होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा लोगों का ये भ्रम तोड़ना है कि संगीत शौक तब तक ठीक है लेकिन इससे पेट नहीं भरता। माता पिता को संगीत में बच्चों की रुचि जानते हुए भी उसे पहले पढ़ाई और नौकरी की तरफ मोड़ना चाहते हैं। वे डरते हैं कि संगीत के पीछे भागा तो बच्चा भूखों मर जाएगा। हम यही बताना चाहते हैं कि संगीत आपको इज्जत देता है, आपको रोजी रोटी दिला सकता है। हमारी कंपनी जेडी फिल्म प्रोडक्शन लर्निंग ऑफ आर्ट के जरिए हम सबके लिए संगीत की शिक्षा उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे संगीत को रोजगार के रूप में स्थापित करने में तन मन और धन से सहयोग किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं जो कुछ भी हूं आज उसकी वजह से हूं जो मेरे माता पिता हैं। निहाल जोशी ने दीपावली पर माता पिता के नाम अपनी गायकी के सुर संगीत समर्पित करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि हर व्यक्ति को मेरे माता पिता की तरह माता पिता मिले। युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आप जहां भी रहें अपने माता पिता को कभी ना भूलें और दीपावली परिवार के साथ मनाएं। उन्होंने कहा आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो निहाल जी जिसको जिसको आज उभरती प्रतिभा के रूप में मकरा नहीं नागौर जिला से आगे निकलते हुए प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हमें इनके नाज है। प्राइम न्यूज और न्यूज के चैनल आज आपके निवास स्थान पे मकरा आपसे मिलने पहुंचा है जी सर। और आज आपने माता पिता के साथ में बैठे हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं कि दीपावली अवसर पर आपने बड़ा अपना हमने सुने जाकर थोड़ा परिवार को दिया है। हम निहाल जी से पूछना चाहेंगे जो आप जो काम कर रहे थे एल्बम बनाने जा रहे थे कुछ दिन पहले आपने ब्लॉग तैयार हुआ था, हमने स्वाइल बात के साथ में इसी स्थल पर आपने प्रोग्राम किया था जी जिसमें आपका एक विषय होता है एल्बम लॉन्च कर रहे हैं तो उस एल्बम पर क्या चल रहा है सर? उस एल्बम पे कार्य चल रहा है, हमने काफ़ी लोकेशन विजिट किए हैं राजस्थान के अंदर और हमने गुड़गांव को भी सेलेक्ट शॉर्टलिस्टेड किया है। और जैसे कि अभी दिवाली है तो सब लोग अपने घर पे सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे दिवाली को। आफ्टर दिवाली वाला सॉन्ग जो है वो रिलीज होने वाला है और उसकी शूटिंग ऑन होने वाली है। अभी जो आप उसकी जो शूटिंग हुई है उसमें कितनी प्रतिभाएं शामिल है सर? काफ़ी लोग शामिल है उसमें, जैसे कि एक दो नाम तो आपको पता है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रोटोकॉल है वो डायरेक्ट लॉन्च होगी तो आपको देखने को मिलेगी सॉन्ग में और बहुत अच्छे लोग आएंगे। मकरा मारवाड़ी नगरी है जी और आप यहाँ से बिलोंग करते हैं जी, तो क्या उस एरिया में मकरा स्पेशलिस्ट मिले जी सर? हमारा प्लानिंग चल रहा है कि मकराना में हम शूट करें लेकिन अगर सॉन्ग के अकॉर्डिंग अगर लोकेशन बैठी तो आई ट्राई माई बेस्ट, अदरवाइज सर हमें जो सेकेंड हमारा एल्बम आएगा वो पूरा मकराना के ऊपर ही है। तो चलो ये सब बातें तो होती रहेगी, आज हम आपसे कुछ सुनने हैं जी सर। बड़ा कम मौका मिलता है आपसे हम लोग आते हैं जी सर। तो मम्मी पापा के साथ आप दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं जी,
कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? कितने बार आप अपने मम्मी पापा मम्मी से? सर मैं 5 महीने बाद अपने मम्मी पापा से मिला हूँ और मैं बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप लोग भी सबसे पहले तो मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप अपने मम्मी पापा के साथ में सेलिब्रेट करें दिवाली को, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें। और मैं दिवाली के ऊपर सभी माताओं को एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा जो जिसमें मेरी माँ भी बैठी है मेरे पास में, तो मम्मा आपके लिए भी एक गाना डेडिकेट है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो सर मैं करता हूँ। अभी तक आप मिल रहे हैं निहाल जोशी जी के माता जी पिताजी से, हम आपको रुक करते हैं इधर थोड़ा सा। इधर आपके सेलिब्रिटी नजर आ रही है, यह निहाल जी के बड़े भाई विशाल जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको और कैसा महसूस कर रहे हो आप अपने परिवार के साथ मिल करके आज? और सामने ऑर्गन है, टीवी चैनल्स आपके आवाज आए हुए हैं, कैसा आपको लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो आप? मैं सर्वप्रथम तो सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं जीडी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जीडी ग्रुप के का एक विजन है कि आने वाली प्रतिभाओं को राजस्थान में कलाकारों को एक अच्छा मंच प्रदान करें। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज अपने माता पिता, मैं अपने छोटे भाई निहाल के साथ में यहाँ मकराना हूँ और मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँगा। मैं सभी यूथ को बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं, चाहे इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, सभी अपने माता पिताओं को उनके साथ उनके सहयोग से किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके साथ सेलिब्रेट दिवाली जरूर करें। ये मेरा धन्यवाद। आज के युवाओं को आप किस तरह से संदेश देना चाहोगे दीपावली का? आपके जो आगे आ सके, जो मकरा जैसे कई बैठे जी, जिनको आगे कोई मंच दे सके, इसके लिए आपके क्या स्वार्थ प्रयास होंगे? आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, चाहे आप डांसिंग करते हैं, चाहे मॉडलिंग करते हैं, चाहे सिंगिंग करते हैं, प्रैक्टिस को ना छोड़िएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की कोशिश करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। भविष्य में ऐसी कोई योजना आपके मन में है जो मकड़ा मंच दे सके? जी बिल्कुल, मेरी पूरी प्रयास रहेगा, मेरा और पूरी कोशिश रहेगी कि मकराना में भी ऑडिशन हुए, रियलिटी शोज आए और सारा सब कुछ ही चले। और आई होप कि मकराना का जितना भी टैलेंट है मैं उसको आगे ले जा सकूं और मैं उसको उभार सकूं। मकराना में भी तो संगीत क्लब लेकर के एक स्टूडियो पे नहीं है जी।
जी सर, ये चिंता वाली बात भी है कि आप युवा प्रतिभा मौजूद है उसके बावजूद इसका अभाव है, तो इसकी पूर्ति के लिए आप क्या सोच सकते हैं? सर मैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं अपने एल्बम्स में बिजी हूँ, शूटिंग में बिजी हूँ, जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं मैं मकराना के ऊपर बहुत कुछ करना चाहता हूँ और जो कि आपको जल्द दिखेगा। थैंक यू सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप दिवाली पे कहीं पे भी हैं अपने माता पिता को याद करें, अपने माता पिता के साथ में कोशिश करें कि आप दिवाली सेलिब्रेट करें, माता पिता को गाना डेडिकेट करें। माँ के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे निहाल जोशी के नाम से मैंने एक माँ के ऊपर गाना डेडिकेट किया है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाएं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं जीडी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जीडी ग्रुप के का एक विजन है कि आने वाली प्रतिभाओं को राजस्थान में कलाकारों को एक अच्छा मंच प्रदान करें, और मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज अपने माता पिता, मैं अपने छोटे भाई निहाल के साथ में यहाँ मकराना हूँ और मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँगा। मैं सभी यूथ को बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं, चाहे इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, सभी अपने माता पिताओं को उनके साथ उनके सहयोग से किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके साथ सेलिब्रेट दिवाली जरूर करें। ये मेरा धन्यवाद।